लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, आज हम मज़ीद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, इस स्फीयर के अंदर सेंटर पर एक चार्ज गिवन है जिसे क्यू कहते हैं। इस चार्ज पर, इस क्यू पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से इस पूरे के पूरे सरफेस पे चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, हमें अगर वो मालूम करना हो तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे, आज हम ये मालूम करना सीखते हैं। लेट्स से कि ये हमारा सर्कल है और इसकी सेंटर पर ये एक चार्ज क्यू है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। आपको मालूम है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव हो तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पॉइंट पे जाकर, मतलब कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। अगर इसके बाहर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं भी है तब भी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इसी तरीके से होगी कि इसका जो एरो टेल हेड है, जो टेल है, टेल इस चार्ज के ऊपर होती है और जो एरो हेड होता है वो दूसरी जानब पर आता है। यानी कि इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि पिछली कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफरेंट चार्जेस के लिए लगाना सीखा था, इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ जाती है। अब जैसे ये एक सरफेस है और जब भी किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होती हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस पूरी की पूरी सरफेस को, जो कि एक स्फीयर है, इस पूरे के पूरे स्फीयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करूँ, लेट्स से कि मैं ये कहती हूँ कि ये सरफेस को मैंने इस तरीके से स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया, तो ये हर स्मॉल पैच का अपना एक सरफेस एरिया बन जाएगा इस तरीके से। जैसे कि ये है, इस तरीके से इस पूरे के पूरे सरफेस को, एक स्फीयर को हम लोगों ने, जो सरफेस स्फीयर जो हमारे पास स्फीयर की सरफेस है उसे हम लोगों ने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया। अब हर सरफेस का जो वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में है और चार्ज क्यू जो है इसके सेंटर पर ही है। अब चार्ज क्यू की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन प्रोड्यूस हुई थी ना, और ये इसका वेक्टर एरिया ई है और ई की डायरेक्शन भी इसी पोजीशन पर है। यहाँ पर भी हमारे पास ई की डायरेक्शन इस पॉइंट पर आ जाएगी और ई की डायरेक्शन भी ऐसे ही आ जाएगी। यानी ई और ए जो हर पॉइंट पर हैं एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे इस तरीके से। हर पैच को आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैच बना लूँ तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई और जो वेक्टर एरिया ई है इन दोनों की डायरेक्शन सिमिलर है और ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से इनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो आ जाता है। तो एंगल ज़ीरो होने की वजह से अगर मैं सिर्फ एक पैच का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूँ तो इस एक पैच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ई डॉट ए है, और चूंकि इसके अंदर ई और ए दोनों पैरेलल हैं, उनका एंगल जो है वो ज़ीरो है, तो ये ई ए कोस थीटा आ जाता है। और कोस थीटा की जगह अगर मैं कोस ज़ीरो लगा लूँ इस तरीके से, कोस ज़ीरो, तो ये मेरे पास ई ए आ जाता है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई ए आ जाता है। तो इस तरह से अगर मैं इन सब पैचेस को नाम दे दूँ, जैसे कि इसे लेट से मैं कह देती हूँ कि ये पैच वन है और ये जो है ये टू है, ये थ्री है, ये स्मॉल स्मॉल हम लोगों ने सरफेसेस बना लिए ना, सरफेस वन है, टू है, थ्री है, फोर आ जाएगी, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और जितनी भी आपने इसको स्मॉल स्मॉल सरफेसेस में डिवाइड किया इस पूरे के पूरे स्फीयर को, उसके लिहाज से आपके पास डिफरेंट स्फीयर्स बन जाएंगे, डिफरेंट सरफेसेस बन जाएंगे। लेट से इसे मैं कह देती हूँ कि ये ई वन और A1 है, और इसी तरह से ये यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक E है वो 2 है और हमारा जो वेक्टर एरिया है वो भी 2 है। यहाँ पर इसे 3 कह देते हैं और इसे भी 3 कह देते हैं। तो अब इस पूरे के पूरे सरफेस में हम लोगों ने चूँकि इसे छोटे छोटे सरफेसेस में जो है डिवाइड कर लिया है, तो अब इसमें सिर्फ एक फ्लक्स नहीं है, इसमें अब जो टोटल फ्लक्स आएगा, इसका जो टोटल फ्लक्स है वो इसके फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 एंड सो ऑन एंड पैचेस, जितने आपने इस पूरे के पूरे स्फीयर को जितनी स्मॉल सरफेसेस में डिवाइड किया है
उस एन सरफेसेस तक का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपस में एड अप होकर टोटल फ्लक्स बना देगा इस पूरे के पूरे स्फेयर का। जब भी आपको किसी स्फेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना हो जिसके सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू हो, तो उसके स्फेयर उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करने के लिए आपको उस पूरे के पूरे स्फेयर के ऊपर जो है स्मॉल स्मॉल सर्फेसिस बनानी पड़ती हैं ताकि आपका काम आसानी से हो सके। अब अगर उसके बाद ये कर लिया जाए कि जो टोटल फ्लक्स है हमारा, टोटल फ्लक्स इस तरह से आएगा कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 एंड सो ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स n। अब अगर 1 की बात की जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 की, यानी कि पैच नंबर 1 की या जो हमारा 1 सरफेस है उसकी, तो यहाँ पर E1 डॉट A1 आ जाएगा और साथ जो है हमारा E2 प्लस E2 और इंटू A2 आ जाएगा, फिर प्लस E3 डॉट A3 जो हमारा वेक्टर एरिया है, सो ऑन AN तक है, तो यहाँ पर EN डॉट AN तक आ जाएगा। अब चूंकि हमें मालूम है कि E1 और A1 जो है, E1 और हमारा A1 इनके दरमियान डॉट है, जब डॉट ख़त्म करते हैं तो EA cos थीटा आ जाता है, यहाँ पर थीटा 1 E1 A1। अब यहाँ देखा जाए तो चूंकि हर एक इनके दरमियान एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी कोई ना कोई थीटा बनेगा जिसे थीटा 1 कह देते हैं, यहाँ पर भी थीटा बनेगा, थीटा 2 थीटा 3 एंड सो ऑन जो है वो हर जगह एंगल बन रहे हैं। अब इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि E2 A2 cos थीटा 2, साथ इसे E3 A3 और cos थीटा 3, सो ऑन ये चीज़ चलती जाएगी और EN AN cos थीटा n यहाँ तक। अब आपको मालूम है कि हर एंगल में, हर एंगल चूँकि ज़ीरो का है, चूँकि ई और ए आपस में, ई जो है और ए हमारा आपस में पैरेलल है हर सिचुएशन में हर सरफेस के ऊपर, तो ये जो हमारा एंगल है वो ज़ीरो है। अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ E1 cos 01, cos 0 ही रहने दें, और E2 A2 cos 0 प्लस E3 A3 cos 0 प्लस सोन EN cos 0, तो इस तरह से ओवरऑल मेरे पास यहाँ पर EA प्लस EA, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास E1 A1 और यहाँ पर E2 A2 प्लस E3 A3 प्लस सोन, यहाँ पर प्लस आएगा प्लस सोन प्लस यहाँ पर EN और AN। तो इस तरह से जो टोटल फ्लक्स है किसी भी सरफेस का जिसके सेंटर पर कोई चार्ज क्यू पॉजिटिव मौजूद हो, उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हर सरफेस के ऊपर सिमिलर ही होंगी, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ जो है हर सरफेस पे सिमिलर है, अगर मैं ई को इस तरह से बाहर रख लूँ और ई की जगह जो कि वेक्टर एरिया है, वेक्टर एरिया जो कि सरफेस का है, तो मैं लिख सकती हूँ ना सरफेस ऑफ द जो है मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो ए है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। तो इस तरह से लिखने के बाद जो है यहाँ पर मेरे पास टोटल फ्लक्स जो आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ई और यहाँ पर 4πr² आ जाएगा, चूँकि सरफेस का जो एरिया होता है वो 4πr² है। अब ई के बारे में भी आपको मालूम है कि जो ई है, अगर मैं यहाँ लिखूँ ई जो है, ई के बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ई को हम KQ/r² लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, मैं टोटल फ्लक्स को भी इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ई की जगह मैं KQ/r² लिख दूँ और ई की जगह 4πr², तो ये r² इस r² से कैंसिल आउट हो जाता है। अगर इसके बाद मैं इस तरह से करूँ कि अब मैं k की भी वैल्यू जो है पुट कर दूँ, जो कि 1/4πε0 × q है और आगे हम जो है 4π से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स है उस सरफेस का जिसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है उस पूरी की पूरी सरफेस पे और तब जाके उस सरफेस का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है, वो बराबर आ जाता है 1/ε0 × q,
यानी कि हमेशा कभी भी जब भी आपके पास कोई सरफेस आए, कोई सफ़ेयर आए, एक गोल कोई भी सफ़ेयर जैसी कोई सफ़ेयर टाइप की कोई भी सरफेस हो जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मालूम करना हो, जिसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू पॉजिटिव मौजूद हो, तो उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमेशा उसके चार्ज क्यू जो कि इसके सेंटर पर है वो, और जिस मीडियम के अंदर वो चार्ज मौजूद है, जिस मीडियम के अंदर आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो आपका टोटल फ्लक्स है किसी भी स्फेयर के लिए वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। आया कि आपका स्फेयर इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, किसी भी साइज़ का हो सकता है, ये उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस स्फेयर का वो डिपेंड करता है चार्ज क्यू जो कि इनक्लोज्ड है आपकी स्फेयर के अंदर, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे, कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस जो है उस पे, और जो चार्ज क्यू आपके सरफेस के अंदर क्लोज्ड है उसके ऊपर आपकी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आप एप्लीकेशन भी कह सकते हैं कि किस तरह से सफेयर के अंदर मौजूद एक चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक सरफेस की फाइंड आउट की थी, और आज की वीडियो में हम लोगों ने एक सफेयर की फाइंड आउट करना सीखी है कि एक सफेयर की इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है।